दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिलीशियस और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हलवाई स्टाइल में बादाम की कतली बनाने की रेसिपी लाई हूँ, आप देख ही सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बादाम की कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब बादाम लिए हैं। आप जितनी कतली बनाएं आप उस हिसाब से बादाम ले सकते हैं। तो अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। हमारा ये जो पानी है एकदम खौलता हुआ पानी है, गुनगुना पानी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको भी एकदम गर्म पानी यूज़ करना है बादाम को भिगोने के लिए। तो अब मैं प्रॉपर एक घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भीगने के लिए रख दूँगी। तो अभी से भीगते हुए प्रॉपर एक घंटा कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं हमारे बादाम यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम इन बादाम के ऊपर के जो छिलके हैं उनको निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो बादाम है उनके ऊपर के छिलके कितने आसानी से निकल रहे हैं। जैसे ही हम इन्हें गर्म पानी में भिगोएंगे तो आपको इनके ऊपर के छिलके निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम बारी बारी से सारे बादाम के ऊपर के छिलके निकाल लेंगे। तो अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सारे बादाम के ऊपर के छिलके निकाल लिए हैं। तो बस अब हमें एक मिक्सी का जार लेना है और उस मिक्सी के जार में हम हमारे सारे के सारे बादाम डाल देंगे। तो बादाम मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस दूध में केसर डालकर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्सी को एक बार चलाया है तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो बादाम का मिक्सचर है वो यहाँ पे सॉफ्ट और स्मूथ नहीं बना है, इसमें दरदरापन है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और दूध ऐड करके हम इसे एक बार और चलाएंगे जब तक हमारा जो बादाम का पेस्ट है वो एकदम पूरा स्मूथ नहीं बन जाता, हम इसे चलाते रहेंगे। तो अब मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो बादाम का पेस्ट है वो एकदम स्मूथ और सॉफ्ट हमें मिल गया है। तो इतना ही स्मूथ चाहिए हमें यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब घी ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी ऐड कर दिया है इसमें। तो अब हमें घी को यहाँ पे मेल्ट होने देंगे, यानी गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें जो बादाम का हमारा पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। आप गैस का फ्लेम लो रखें, ध्यान रखें हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो जैसे ही हम बादाम इसमें ऐड करेंगे बादाम का पेस्ट वो नीचे चिपक जाएगा। तो आप गैस का फ्लेम इस समय या तो मीडियम रखें, हो सके तो लो ही रखें। तो अब हम इसे लो फ्लेम पर रेगुलर चलाते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बादाम की कतली का जो कलर है वो बादामी कलर का होता है, तो अब हमें इसे हल्का सा कलर आने तक यहाँ पे पकाना है, यानी लो फ्लेम पर चलाते रहना है आपको। आपको नीचे इसे चिपकने नहीं देना, आपको रेगुलर नॉन स्टॉप इसे चलाते रहें, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तब आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना चला लिया है कि इसने हल्का हल्का सा तला छोड़ना शुरू कर दिया है। ज़्यादा तो तला नहीं छोड़ा है, हल्का सा तला छोड़ना अभी इसने शुरू कर दिया और हमारा पहले के मुकाबले गाढ़ा भी हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 कप के करीब पीसी हुई शुगर ऐड कर दूंगी। आप अपनी पसंद अनुसार शुगर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम शुगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो पहले के मुकाबले हल्का सा गीला हो जाएगा, क्योंकि शुगर डालते ही हल्की सी चाशनी बनती है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारा बैटर गीला हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। आपको कैसे पता चलेगी अब ये कतली बनाने के लिए तैयार है मिक्सचर, तो उसके लिए आप अपनी अंगुली पर हल्का सा घी लें और अंगुली में अच्छे से लगा लें, और लगाने के बाद आप जो ये मिक्सचर है उसका हल्का सा पोर्शन लें, और पोर्शन लेने के बाद आप गोली बनाएं। अगर गोली आपकी अंगुलियों में नहीं चिपकती तो अब हमारी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम कतली जमाने की तरह है। तो अब हम कतली जमाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर हम हल्का सा घी ऐड करेंगे और घी ऐड करने के बाद ब्रश से हम इसे चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद हम हमारा जो बादाम का मिक्सचर है वो इस प्लेट में ऐड करेंगे। तो मैंने मिक्सचर ऐड कर दिया है। तो अब हम हमारे हाथों में हल्का सा घी अप्लाई करेंगे। मैंने घी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो घी अप्लाई करने के बाद आप इस मिक्सचर को अपने हाथ से उलट पुलट करते रहें, जिससे कि ये ठंडा भी होता जाएगा और हल्का सा गाढ़ा भी होता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक बेंच पर एक प्लास्टिक लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका साइज़ गलती से छोटा आ गया इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही। तो अब मैं प्लास्टिक के ऊपर हल्का सा घी लगा दूंगी और लगाने के बाद उसे चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर दूंगी।
और अच्छे से घी अप्लाई करने के बाद हम हमारे जो बादाम का मिक्सचर है उसका लोई बना लेंगे। तो अब हम इसको हाथ से पहले चौकोर बना लेते हैं ताकि इसको चौकोर बेलने में आसानी रहे। तो चौकोर बना लिया है मैंने यहाँ पे। तो अब हम थोड़ा सा घी हमारी बेलन पर भी अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद आप इसे बेलें, पर आप ध्यान रखें कि आपको इसे एकदम हल्के हाथ से बेलना है। आप इसकी मोटाई अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसे चौकोर बेल लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह नॉर्मल घर का चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। तो कतली की शेप रखते हुए आप इसे धीरे धीरे आराम से कट करें। तो अब हमारा एक तरफ अच्छे से कट हो गया है, तो अब हम दूसरी तरफ भी इसे कट कर लेते हैं। अगर आपसे हाथ से कतली का शेप नहीं बैठता तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्केल रख कर कतली का शेप दे सकते हैं। तो अब हमारी ये अच्छे से कट हो गई है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इस पर वर्क लगाएंगे। वर्क लगाना एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप बिना वर्क भी डिलीशियस कतली खा सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे हर जगह अच्छे से वर्क लगा दिया है। तो अब मैं आपको एक कतली निकाल के दिखा देती हूँ। आप देख ही सकते हैं हमारी जो डिलीशियस कतली है वो कितनी अच्छी लग रही है। मुँह में जाते ही घुल जाएगी और हमारी कतली खाने के लिए तैयार है।